खड़े और वो लगा के नहीं आए मास्क। आज हम 11वीं में राजनीति शास्त्र में जो हमारा अध्याय 9 चल रहा था शांति, उसका भाग 3 पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे कि शांति किस प्रकार स्थापित की जा सकती है। अभी हमने उसके संरचनात्मक कुछ उदाहरण देखे थे कि क्या हम अस्त्र शस्त्र का उपयोग करके भी विश्व में शांति को जन्म दे सकते हैं, शस्त्रीकरण। क्योंकि जब दो महाशक्तियां थी जिस समय, अमेरिका और रूस, उस समय शस्त्रीकरण की बहुत क्या लगी हुई थी, होड़ लगी हुई थी, और दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को अपने शस्त्र के कारण उसको युद्ध होने से रोकती थी, लेकिन शीत युद्ध दोनों में स्थापित था। तो कुछ लोग सोचते हैं कि शस्त्रीकरण मतलब अस्त्र शस्त्रों का रखना, क्या शांति स्थापित होगी? और ये जो शस्त्र हैं, ये दूसरे देशों के आक्रमणकारी राज्य के मन में एक भय उत्पन्न कर देगा कि इसके पास ये अस्त्र शस्त्र हैं, तो इनसे ये उल्टा उससे हमें हमला कर सकता है। और कुछ लोग मानते हैं कि अस्त्र शस्त्र से शांति स्थायी नहीं होगी, तो हमें निः शस्त्रीकरण मतलब अस्त्र शस्त्रों का ना रखना, या रखना है तो कुछ सीमित मात्रा में रखना, ये कहलाता है निः शस्त्रीकरण। तो शांति स्थापित करने के ये विभिन्न तरीके बताए गए हुए हैं कि इस प्रकार ये 3 दृष्टिकोण से तरीके बताए गए हैं। पहला, शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन मतलब हमें एक दूसरे की संप्रभुता का ध्यान रखना है। जिसको जो आजादी मिली है वो उस क्षेत्र में अपने उसमें रहे और उसको मतलब स्वतंत्र रहे। तो हम यहाँ देखते हैं कि यदि राष्ट्रों की सैनिक शक्ति बराबर की होती है तो युद्ध व संघर्ष की संभावना क्या हो जाती है, कम। मतलब दोनों के पास बराबर अस्त्र शस्त्र हैं, और यदि मान लो बहुत से राष्ट्र ऐसे थे जिनने संधियां कर ली थी और शक्ति संतुलन कर लिया था कि हमारे पास भी इतने अस्त्र शस्त्र हैं, इतने अपनी जो उसकी मात्रा निर्धारित कर दी थी, तो उससे क्या हुआ कि लोग एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करते थे और समझौते कर लिए, संधियां स्थापित कर ली, और इस संधि का परिणाम था कि बहुत लंबे समय तक शांति कायम रही। उसके बाद है पारस्परिक निर्भरता। यदि मान लो राष्ट्र एक दूसरे के सहयोगी हैं तो उनके ऊपर पारस्परिक निर्भरता बढ़ जाती है, और यदि वो आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं, विरोधी हैं, तो उन पर निर्भरता बिल्कुल नहीं रहती है, और कई राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक सहयोग में वृद्धि हुई, उनके मध्य व्यापारिक, सामाजिक, आर्थिक संबंध हुए, और अनेक संगठनों की मध्यस्थता से एक देश से दूसरे देश में पूंजी का प्रभाव हुआ, और इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व में शांति स्थापित हुई। यूरोप जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण की ओर क्या हुआ, अग्रसर हुआ। मतलब उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही थोड़ा सा उसने सीखा। फिर तीसरा, वैश्विक राज्य। मतलब हर राज्यों की सीमाएं हटा दें और हम एक वैश्विक राज्य की क्या करें, कल्पना करें, तो इस प्रकार सीमाएं नहीं रहेंगी, संप्रभुता जरूर बनी रहेगी, परंतु हम देखते हैं कि जो परमाणु हथियारों से सुरक्षा का मामला है और ये आतंकवाद की जो समस्या है, वो लोग उससे क्या होगा, राष्ट्र बच जाएंगे और उनके बीच असमानता थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यदि हम ये क्या करते हैं, वैश्विक राज की क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। और वैश्वीकरण के युग में राष्ट्र इतने छोटे हो जाएंगे कि वे बड़ी समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं कर सकते, मिलजुल कर ही करना पड़ेगा। फिर चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हानि हुई, जो इतना नुकसान हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न देशों का एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप का जो मेन उद्देश्य था वो था पृथ्वी पर शांति स्थापित करना।
करना, जिसमें कि मानव बहुत अच्छे से सुरक्षित रह सके। तो संयुक्त राष्ट्र का जो एक अंग है, उसके 6 अंग हैं, सुरक्षा परिषद, ये विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का इसको जिम्मेदारी सौंपी गई। कोई भी जो देश है जिन पर कोई हमला हुआ है, कोई समस्या है, तो वार्ता के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा या सुरक्षा परिषद की जो सैनिक कार्रवाई है, उसके सहयोग से वो समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। तो ये न्यायिक अंग है, मतलब न्याय दिलाने का काम करता है और बहुत से विवादों को निपटारा यहीं किया जाता है। और जो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद है, वो सामाजिक, सांस्कृतिक और बहुत से मामले में एक दूसरे देश को सहयोग देती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक और आयोग है, मानवाधिकार आयोग, वो भी मनुष्यों के, मानव के मामले पर विचार कर सकता है। तो आज हमने यहाँ देखा कि हम किस प्रकार जो शांति है उनको बरकरार रखने के लिए, ये कुछ 4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण थे। अब विश्व शांति की समकालीन चुनौतियाँ, मतलब वर्तमान में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, तो पहला है महाशक्तियों का प्रभाव। अब नहीं है, अब तो ये महाशक्तियाँ क्या हो गई हैं, जो 2 महाशक्ति थी वो तो विघटन हो गया, और उसके बाद सोवियत संघ और अमेरिका एक महाशक्ति थी। उसके बाद जो अमेरिका थी, उसने जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, कभी कभी उसकी भी परवाह नहीं किए। और इसने इराक पर अमेरिका ने अपने युद्ध और अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप किया। तो कोई कोई महाशक्ति आज भी अपना क्या करती, हस्तक्षेप दूसरे देशों के लिए करती हैं। दूसरी समस्या है आतंकवाद। ये आतंकवाद वर्तमान की बहुत विकराल समस्या है। और ये क्या करते हैं, ये आधुनिक हथियारों और उन्नत तकनीकी का दक्ष और निर्मम प्रयोग करके ये क्या करते हैं, अशांति उत्पन्न करते हैं। जैसे सितंबर 2011, सितंबर को इस्लामी आतंकवादियों ने अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित व्यापार केंद्र को हवाई हमला किया था और बहुत ही नुकसान हुआ था उस समय। फिर है नस्ल संहार। नस्ल संहार मतलब कि एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदायों के द्वारा विस्थापित कर देना, उनको नुकसान पहुंचाना। 1994 जैसे अफ्रीका में हुतू जनजाति ने 5 लाख तुत्सी लोगों को मार डाला, और उसके बाद विश्व समुदाय को मतलब इतने उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी प्रकार हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं किया, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी खाड़ा में हो रहे हिंसा के, जो वहाँ का हिंसा का तांडव था, किसी प्रकार का शांति अभियान चलाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो हमारी वर्तमान की जो समस्याएं हैं समकालीन, उन पर क्या करते हैं, कोई भी उस पर निर्णय नहीं ले पाता है। अब हमें शांति स्थापना के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो जापान और कोस्टरिका जैसे देशों ने सैन्य बल ना रखने का निश्चय किया कि ये लोग कोई भी सैन्य सामग्री, अस्त्र शस्त्र नहीं रखेंगे। और बहुत से देशों में आपस में शस्त्र नियंत्रण संधियों पर हस्ताक्षर किए। भारत ने भी कई संधियों पर हस्ताक्षर किए। 2 जो महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत रूस संघ, इनने भी 2002 में 2 संधियों पर हस्ताक्षर किए कि जो 68 टन प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम एक बहुत ही नाभिकीय परमाणु पदार्थ है और इससे बहुत सारे परमाणु बम बनाए सकते हैं। तो प्लूटोनियम को नष्ट कर सकते हैं, जिससे कि परमाणु बम ना बनाए जा सकें। उसके बाद और भी ऐसे देश हैं, जैसे 6 देश ऐसे हैं जो नाभिकीय हथियार मुक्त हैं, इनके पास कोई भी बम नहीं है नाभिकीय से संबंधित। लैटिन अमेरिका, कैरेबियन द्वीप समूह, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी प्रशांत सागर क्षेत्र,
अफ्रीका और मंगोलिया। इनमें से और भी ऐसे 100 अधिक देश शामिल हैं जिनके पास नाभिकीय हथियार नहीं है। तो ये नाभिकीय हथियार नहीं है, इन्होंने मतलब ये घोषणा पत्र शपथ दी जाती है ताकि इनके ऊपर कोई हमला ना कर सके, क्योंकि इनके पास नाभिकीय हथियार नहीं है। तो जो विश्व शांति परिषद है उनके में शांति आंदोलन भी चलाए जाते हैं, और दुनिया के जो प्रमुख विद्वान हैं वो इस आंदोलन में भाग लेते हैं और संगठन शांति का प्रचार करते हैं, और इस प्रकार शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। धन्यवाद।